हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब लोग, प्लीज़ बताएगा कमेंट करके। और मैं तो ठीक ठीक हूँ, नहीं भी ठीक हूँ, दोनों ही चल रहा है। 3 दिन तबीयत नहीं ठीक चल रही है थोड़ी सी, तो मैं तो ठीक नहीं हूँ। बट आप लोग बताएंगे कि वेदर चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी मैंने शावर वगैरह ले लिया है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो मॉर्निंग के काम है वो भी, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो होप जो मेरा आज का वीडियो गाइस पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और बने रहिए मेरे साथ में, बहुत कुछ अच्छा अच्छा शेयर करूँगी। होप आप सबको बहुत पसंद आने वाला है, आप सब बहुत इन्जॉय करोगे। सो अभी मैं हो रही हूँ यहाँ पे रेडी, क्या हो रही हूँ थोड़ा सा, मतलब बस नहा लिया है, तो हल्का फुल्का सा जो थोड़ा सा टच देना होता है, मतलब फ्रेश फ्रेश फील कराने के लिए, और बस वही। और ऐसे सब जब मैं बन बनाती थी, अक्सर कर मेरे एक दो बाल जो है ना वो छूट ही जाते हैं। तो देखो यहाँ पर भी बैग से फिर से छूट गया, तो बट कोई नहीं, ये तो चलते ही रहते हैं, ये तो मतलब होते, क्योंकि बैग से दिखता नहीं ना कुछ भी क्या चल रहा है, तो बस ऐसे हो जाता है। सो बस इसके बाद अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो बस पूजा के लिए यहाँ पे मैट डाल दिया, पूजा मैट। और ये भगवान जी के जो बर्तन वगैरह हैं ये सब पहले धुलूंगी, उसके बाद फिर भगवान जी वगैरह को नहलाऊंगी, लड्डू गोपाल या फिर जो जो भी हमारे और भी सारे भगवान हैं, सभी भगवान को मैं नहला देती हूँ। अभी मैंने मतलब पहले मैं कुछ भगवान की मूर्तियाँ थी जिनको मैं नहीं नहला दी थी, बट अभी मैंने सबको रेगुलर नहलाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी जिनके ऊपर पानी पड़ सकता है उनको मैं पानी से अब नहला ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर चलिए बर्तन वगैरह धुल लेती हूँ बाकी भगवान जी के, फिर चलते हैं पूजा मंदिर में। चलिए अभी यहाँ पे मंदिर में आ गए और यहाँ पे अपने गोपाल जी को करा रहे हैं स्नान। तो ये हमारे बड़े वाले गोपाल जी हैं, छोटे वाले गोपाल जी हैं, दोनों ही हैं, तो दोनों लोगों को साथ में बैठा के करा रहे हैं। तो मेरा ऐसा कुछ नहीं कि मैं फूल वगैरह डालूँ या फिर ऐसा, मतलब जब होता है तो वो सब भी कर देते हैं जितना बनता है, और जो भी हमारा डेली रूटीन, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उतना ही डेकोरेट करके और इतना सब कुछ करके रोज करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। कभी आप जल्दी में होते हो, कभी आप कैसे होते हो, क्योंकि घर में आप बहुत सारे काम होते हैं, तो बट नहलाना ज़रूरी होता है। सो मैं इनको नहला रही हूँ बस आराम से इनके लिए, ये जो बड़ी सी परात होती है ना उसमें बैठा के दोनों लोगों के एक साथ में, उसके बाद फिर बाकी जो हमारे भगवान जी हैं उन सबको नहलाएंगे, भोग लगाएंगे, आरती वगैरह करेंगे। तो अभी तो फिलहाल देखो बहुत ही प्यार लग रही है, कितनी प्यार से बैठे हुए हैं ये। और मैंने यहाँ से कैमरा होल्ड किया हुआ ना, तो मैं नहला नहीं पा रही हूँ। तो ठीक है, अभी यहाँ पर पूजा वगैरह हो गई, आरती वगैरह हो गई है, सारे भगवान जी कितने सुंदर लग रहे हैं। इसके बाद जो मैंने श्रृंगार वगैरह करते हैं उन सब की मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, फिर पता पूरा दिमाग कैमरे पर रखा होता है, भगवान जी के पास नहीं होता है अगर आप पूरे टाइम पे रिकॉर्ड कर रहे। तो बस मैंने थोड़ा सा बाद में ले लिया, और बीच में नहीं, क्योंकि पूजा जब आप करो मन से करो तो बीच में अगर आप पूरा शूट करते हो तो इतना हो नहीं पाता है, फिर भगवान जी से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा ध्यान हट जाता है। और उसके बाद वेदर बहुत ही ज़्यादा वाला, मतलब बादल वादल खूब सारे छाए हुए हैं, आपको दिख रहा होगा बाहर का नज़ारा, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, एसी भी चल रही है अंदर, और पापा काम कर रहे हैं तो कपड़े बहुत ज़्यादा थे धुलने को, तो थोड़े से कपड़े ये नीचे वाले फ्लोर पर हैं उस पर डाल देते हैं, और कुछ कपड़े जो है ना फिर ऊपर वाले फ्लोर पर लेके चलते हैं, वहाँ पर डालते चल के। और बाकी जो हमारा मॉर्निंग का है ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया, क्योंकि हमारे वर्किंग डेज़ का तो यही होता है, और 8 बजे जी ऑफिस चले गए, तो जो पूरा खाना वाना सब कुछ बन गया था, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो सारे काम जो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, और जो ये ऊपरी काम है इन सबको निपटाना होता है, तो यही सब काम होते हैं हम लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये किसी को काम समझ में नहीं आते, बट हम लोग इन कामों को करते हैं तो हम लोगों को पता होता है कि हम लोग, ठीक है ना, इन चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं। अभी मेरी तबीयत भी नहीं ठीक है, 3 दिन से मेरे को कंटिन्यूसली फीवर आ रहा है, और आज भी मेरे को फीवर मतलब रात तक रहा है, और अभी तो ठीक ठीक लग रहा है, पसीना पसीना हो रखी है पूरा, तो बहुत बुरी हालत चल रही है, एकदम सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो ठंडी गर्मी की वजह से और तबीयत ख़राब हो रही है। सो गाइज अभी सुबह का जो काम है लगभग लगभग ख़त्म हो गया है, और पापा कर रहे हैं अभी काम बैठ के, और हम भी जा रहे हैं अभी वीडियो एडिट करना है, तो वॉइस ओवर वगैरह करनी है जो आज ही जा रहा है, इसके बाद ये वाला वीडियो आएगा, तो अभी वॉइस ओवर करनी है और अभी अपलोड भी करना है, 1 घंटे के अंदर जाना है। तो अभी मेरा काम हो गया, पार्टी लेके जाते नीचे, तो बाकी उसके बाद जो दोपहर का रूटीन है वो स्टार्ट होगा,
फिलहाल मॉर्निंग वाला जो ख़त्म हो गया है, तो चलिए आप उनका शेयर करते रहेंगे। और वेदर आज का थोड़ा थोड़ा सा ठीक है, अच्छा वाला है, मतलब हवा चल रही है प्लस बादल भी छाए हुए, हल्की फुल्की सी धूप आ रही है, जारी हो वाली है, बहुत तेज ज़्यादा बादल नहीं है, बारिश नहीं हो रही। बारिश का प्रडिक्शन रोज करा था बट हो नहीं रही है, प्रडिक्शन ऐसा ही है बारिश का। तो बादल तो कल से छाए हुए, बरस नहीं रहे, बस छाए हुए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब है गर्मी की वजह से। और मैंने बहुत हल्की सी साड़ी डाली हुई है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी सी साड़ी है ये, कि मुझे चाची ने दी थी, मेरी चाची सास ने वो वाली साड़ी है। तो चलिए चलते हैं नीचे, बैठते चल के पंखे और एसी में, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बाहर तो हद से ज़्यादा हालत ख़राब हो जा रही बाहर निकलने में। एंड उसके बाद बस हम यहाँ पे रोटी बनाने जा रहे हैं। सुबह क्या ना आटा तो बहुत थोड़ा सा लगाया था, तो वो सुबह ही ख़त्म हो गया ब्रेकफास्ट में। फिर अभी रोटी के लिए, लंच के लिए थोड़ा सा आटा लगाना पड़ रहा है, तो बस आटा लगा लिया है। दो मतलब चार पांच रोटी का ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता सेट होने में आटे को, वो तुरंत फटाफट से हो जाता है। ज़्यादा लगाना हो तो ज़्यादा सोचना पड़ता है। मैं पापा दो ही लोग हैं, मम्मी है नहीं, मम्मी चली गई कानपुर, तो बस हम ही लोग रह गए, तो फिर इस वजह से तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। लगे हाथ यहाँ पर आयुष का दूध वगैरह भी रख देते गर्म होने के लिए, क्योंकि जब तक वो आएगा पिएगा, ठंडा होगा तब तक ठंडा भी हो जाता है थोड़ा सा, फिर उसके साथ में गर्म करो, फिर ठंडा करके उसको देना पड़ता है। तो बस जब मैं इधर रोटियां सेकती हूँ ना, तभी मैं गर्म कर लेती हूँ। आजकल सुबह दूध गर्म करती नहीं हूँ चाय वगैरह बनाने के बाद, क्योंकि फिर आजकल गर्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं ना, तो जब यूज़ में लाना हो ना तभी गर्म करते हैं, कि पैकेट वाला दूध होता है फ्रिज में स्टोर रहता है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम तो होती नहीं है। बस यहाँ पे एक तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, दूसरी साइड तवा चढ़ा दिया, बस साथ में एक खीरा कट कर देते हैं क्योंकि पापा ही खाने के लिए। मैं तो थोड़ा सा ना मतलब खीरा वगैरह आजकल थोड़ा फ्रिज का और तबीयत नहीं ठीक चल रही, तो अवॉइड भी कर रही हूँ। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मेरा गला आपको समझ में आ रहा होगी आवाज़ कैसी है। अभी भी पूरी तरीके से गला ठीक नहीं है, क्योंकि आजकल हमें जब कोल्ड होता है ना तो बहुत भयंकर वाला होता है, और कम से कम ये 10 से 15 दिन फिर ये खांसी वगैरह हो जाती है, उसके बाद कोल्ड ठीक होता है तो खांसी वगैरह हो जाती है, फिर उसको सही होने में टाइम लग ही जाता है इतना। और प्लीज़ गाइस आप सब सपोर्ट करते रहिए, अपना साथ बनाए रखिए, और बहुत मेहनत से बहुत प्यार से बहुत अच्छे से मन से वीडियो बना के लेके आते हैं आप लोगों के लिए, और होप आप सब सपोर्ट करेंगे। और बहुत लोग बहुत पसंद भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, साथ भी देते हैं, बट ठीक है यार, अपनी अपनी पसंद होती, किसी को किस टाइप के वीडियोस पसंद आते, किसी को किसी टाइप के, तो ऐसा नहीं है, हमारे भी वीडियोस देखने वाले होंगे कोई ना कोई जिनको पसंद आते हैं, और अपना अपना देखने का नज़रिया होता है। हम तो पूरे एफर्ट्स करते हैं आप लोगों के साथ में, जो हम करते हैं वो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो बस अभी यहाँ पे रोटी सेकनी है, और बस दो रोटी सेकनी है पापा के लिए, एक अपने लिए, तीन रोटी गिन के सेकनी है, और लगे हाथ पे आज यहीं पे लंच भी लगा देंगे। आज लंच में ना मैंने प्याज की कढ़ी बनाई हुई थी और पपीता की सब्जी तो पपीता की सब्जी थी, हरा पपीता जो आता ना उसकी सब्जी बनाई थी, कच्चा पपीता, और यहाँ पे प्याज की कड़ी, क्योंकि राठौर जी को बाकी कोई कड़ी खाते नहीं है, फिर मतलब वो पकौड़ियाँ निकाल के रखते हैं या जो भी बनाओ मंगौड़ी डाल के जैसी बनाओ, उनको सारे में ही प्रॉब्लम होती है, बस प्याज एक ऐसी चीज़ है ना वो खा लेते हैं, तो फिर प्याज की मैंने कहा मम्मी भी नहीं है कोई नहीं, और पापा हम तो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी दे दो, मतलब हम खाने में ज़्यादा चूज़ी नहीं है, मतलब ट्राई करते हैं कि थोड़ा सा हेल्दी फूड लें, बस बस इतना होना चाहिए, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को ये नहीं खाना वो नहीं खाना, हमें करेला रोटी भी दे दो तो हम तो वो भी बहुत प्यार से बैठ के खा लेते हैं, तो हमारा थोड़ा सा अलग है। तो बस रोटियां एक तरफ हमने बेल के डाल दी हैं, सीखेंगे जब तक, तब तक पापा की प्लेट लगा देते हैं, और इसमें डाल दिया है सब्जी पपीता की निकाल के, और बस ये कढ़ी, तो कढ़ी को भी सर्व कर देते हैं, और बस हमारी प्लेट अभी हो जाएगी रेडी, और रोटियां सिक रही हैं एक तरफ, और बस हम भी कर लेंगे लंच, और फिर उसके बाद जाना है अरुष बाबा को लेने के लिए बाहर। बहुत ही भयंकर वाली बारिश होना स्टार्ट हो गई है, तो अभी फिलहाल अभी जो ये काम कर रहे हैं ना ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितनी तेज़ों से बाहर बारिश हो रही है। तो देखिए अभी आपको हम प्लेट दिखाते हैं जो मैंने लगा ली है। सो देखिए ये रही पपीता की सब्जी, और ये रही प्याज की कढ़ी, और ये रही रोटियाँ, तो और साइड में है बस सैलड खीरा, और ये है चावल, और खीरा को लंबा लंबा इसलिए कट करते, कभी कभी खीरा कड़वा निकल जाता है ना, तो फिर पता चल जाता है, छोटा छोटा कट करो तो स्लाइसेस को ढूंढने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो गाइस अभी टाइम हो गया है दोपहर का 2:15, और हमारा लंच वगैरह हो गया, पापा का भी लंच हो गया, और मैं खा रही हूँ लड्डू, और घर से लेके आई थी, मतलब घर से मम्मी ने दिए थे वही वाले लड्डू। बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ से हो रही, भयंकर तेज़ से बारिश हो रही है,
इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब खूब सारे बादल छाए हुए हैं और 15-20 मिनट से बरस रहा है, बहुत तेज़ पानी बरसा है। और चलिए आपको बाहर से दिखाते हैं। और हमारे स्कूल ने इसलिए कहा क्योंकि मैंने पहन रखी थी ना साड़ी, तो साड़ी में मैं भीग जाती हूँ, कैसे मैं उसको ऊपर उठाती हूँ, तो उठाने में उसको प्रॉब्लम होती है ना, दो दो छाता और उसका बैग कैरी करना एंड तो फ़ोन वगैरह, तो फिर भीगने का डर था। और पापा आराम से चले गए, पापा ने तो लोअर ऊपर किया, चले मैं साड़ी ऊपर करके नहीं जा सकती थी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ बाहर की बारिश, और मैं आरुष का बाहर चल के वेट भी करती हूँ बारिश में ही। ओ तो गाइस आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा तेज से बारिश हो रही, खूब सारा पानी बालकनी वालकनी में आ रहा है और रोड पे भी पानी बह के चल रहा है। अगर इससे ज़्यादा आगे फ़ोन बढ़ाया ना तो हमारा फ़ोन ढीला हो जाएगा। ये देखो पानी बह रहा है आज। तो चलिए अभी हम आरुष का वेट करते हैं और आरुष देखो किस मुद्रा में आते हैं तो आप लोगों को दिखाते हैं। एंड उसके बाद यहाँ बज गया शाम का 5 के अराउंड टाइम हो रहा होगा, 4:30-5 के अराउंड। तो अभी बना रहे हैं चाय और हम पापा दो ही लोग हैं चाय पीने के, तो बन रही है यहाँ पे हम दोनों की चाय। और आज की चाय जो है ना मैं फ्राई पैन में खुला खुला बनाने का मन कर रहा था, पता है आज मेरा मन कर रहा है कि जो हांडी में चाय बनती ना वो वाली चाय पीने की, बट हांडी है ही नहीं तो चाय कहाँ से बना। साथ में ये हल्दीराम की बीकानेर की सॉरी भुजिया रखी हुई थी, पूरा पैक आया था उसमें, साथ में मल्टीपल थी भुजिया तो ये उसमें थी, तो फिर इसको भी निकाल दिया। और मैं सोची रखे रखे फिर टेस्ट चला जाता ना, थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो ख़त्म हो ही जाएगी। तो देखो बढ़िया सी अदरक वाली यहाँ पे बन गई चाय और भुजिया। तो चलिए इसी के साथ में आज हम अपने ब्लॉग कहीं पर एंड भी करेंगे इसी के चाय के साथ में। तो आप लोग भी आइए इन्जॉय कीजिए और हम तो बरसात एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा आज का जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आया होगा, तो पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑन, मतलब एक बार फिर से हम आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो चलिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।